आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस किसी बैलगाड़ी से भी धीरे चल रही थी। कारण रास्ता इतना खराब था कि हर 5-10 सेकंड में झटके लग रहे थे, जैसे बस रोड पर ना चलकर किसी बीहड़ में चल रही हो। बस में सवार कुछ मुसाफिर सोने की कोशिश कर रहे थे, तो वही कुछ सो चुके थे, मगर मैं सबसे अलग था। रात के उस काले अंधेरे में भी मुझे खिड़की से बाहर देखना था, पर क्योंकि खिड़की बंद थी इसलिए मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। खैर, मैंने सोचा वैसे भी बाहर अंधेरा बहुत है, खिड़की खोलकर भी कोई फायदा नहीं होगा। सुस्त रफ्तार से बस अभी चल ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस लुढ़कती हुई आगे जाकर रुक गई। बस को ऐसे रुकता देख सारे पैसेंजर हड़बड़ाकर उठ गए। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी साफ झलक रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही बस से नीचे उतरे। लोगों ने आपस में बुदबुदाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कंडक्टर बस में आया और बोला, देखिए बस का एक्सल टूट गया है, बहुत टाइम लगेगा बस खुलने में। कंडक्टर की बात सुनकर मुझे मानो एक झटका सा लगा, क्योंकि मेरी मंजिल यानी मुझे जहां उतरना था वो जगह अभी भी बहुत दूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मेरे पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे। पहला कि मैं बस में बैठकर बस के ठीक होने का इंतज़ार करता, और दूसरा ये कि मैं बस से उतरकर कोई दूसरी गाड़ी ढूंढता। कुछ देर सोच विचार करने के बाद मैंने दूसरा वाला रास्ता ठीक समझा। बस से उतरकर मैंने जैसे ही ज़मीन पर पैर रखा तो मेरा पैर किसी खड्डे में पड़ गया। संतुलन बिगड़ने की वजह से मैं धड़ाम से घुटनों पर आ गया। खैर, मैं उठकर खड़ा हुआ और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए इधर उधर देखने लगा, मगर मेरी बस के अलावा वहां और कोई गाड़ी दिख नहीं रही थी और ना ही कोई इंसान। मैंने सोचा थोड़ा आगे बढ़कर देखता हूँ, क्या पता शायद कोई मिल जाए। इसी उम्मीद को मन में लेकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। इतना खराब रास्ता मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। उस रास्ते पर किसी भी तरह की कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। हालांकि मेरे पास टॉर्च था। दिमाग में टेंशन और मन में उम्मीद लिए अभी मैं आगे चल ही रहा था कि तभी रोड के किनारे मुझे एक ऑटो रिक्शा खड़ी दिखी। बड़ा पुराना सा ऑटो था, ढांचा नीचे से जंग लगकर सड़ चुका था। खैर, मैं उस ऑटो के पास गया तो देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ है, शायद ड्राइवर था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भैया श्यामगढ़ गांव चलोगे? इस पर वो ऑटो वाला बोला, नहीं साहब, उतनी दूर की सवारी नहीं लेता हूँ। तो मैंने बोला, ऐसा क्या कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा ले लेना, चलो। इस पर ऑटो वाला बोला, भाड़े की बात नहीं है साहब, बस से भी जाइएगा तो मोड़ पर ही उतार देगी बस, वहाँ से तो पैदल ही जाना होगा। मोड़ के बाद फिर जो रास्ता आता है ना, वो बहुत ख़राब है। इस पर मैं बोला, ठीक है फिर मोड़ तक ही छोड़ दो। इतना बोलकर मैंने रिक्शा में चढ़ने की कोशिश की, मगर पता नहीं क्यों मैं रिक्शा में चढ़ नहीं पाया। ऐसा महसूस हुआ कि मैं जिधर से रिक्शा में चढ़ने की कोशिश कर रहा था उधर कोई पहले से ही बैठा हुआ हो। तभी रिक्शा ड्राइवर ने कहा, इधर से नहीं साहब, उधर से बैठिए। लिहाजा मैं दूसरी ओर से रिक्शा में चढ़कर बैठ गया। ड्राइवर ने रिक्शा स्टार्ट किया और आगे बढ़ा लिया। वो टूटी फूटी रिक्शा इतना वाइब्रेट कर रही थी कि मैंने शाम को जो कुछ भी खाया था वो सारा कुछ पेट में इधर उधर हो रहा था। पर मैं करता भी क्या, कहते हैं ना, जब समय खराब चल रहा हो तब गधे को भी बाप बोलना पड़ता है।
खैर मैं बाहर की ठंडी हवा का मजा ले ही रहा था कि तभी किसी के छींकने की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। लेकिन ड्राइवर नहीं छींका था, क्योंकि मैं ठीक उसके पीछे ही बैठा था और उसे देख रहा था। इतने में ही कोई फिर से छींका, मगर इस बार मैंने उस आवाज को ध्यान से सुना। वो आवाज मेरे सामने से नहीं बल्कि बगल से आ रही थी। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि मेरे बगल में कोई बैठा ही नहीं था। खैर मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर बात को हवा में उड़ा दिया। रिक्शा इतनी धीरे चल रही थी कि कोई पैदल आदमी भी सिर्फ चलकर ही रिक्शा को पीछे कर दे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं कल सुबह तक भी श्यामगढ़ गांव नहीं पहुंच पाऊंगा। थोड़ा खिसिया कर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार। इस पर रिक्शा वाला बोला, नहीं साहब, वो भाई साहब गुस्सा करेंगे। तो मैं बोला, कौन भाई साहब, किसकी बात कर रहे हो तुम? इस पर रिक्शा वाला बोला, वही जो आपके बगल में बैठे हैं। उस माहौल में ये सुनकर एक पल को शायद कोई भी डर जाता, मगर मैं नहीं डरा। मैंने एक नजर अपने बगल में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अपने बगल में किसी को भी ना पाकर मैंने ड्राइवर से कहा, कहाँ कोई है? मगर ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे मन ही मन ये लगने लगा था कि जरूर ये रिक्शा वाला हल्के दिमाग का है और इस बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। रिक्शा में बैठे बैठे ही सीट पर लदकर मैं चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई बार बार मेरे कान के पास आकर कुछ बोल रहा हो, मगर क्या ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने आंख खोलकर देखा तो फिर वही, मेरे सिवा कोई नहीं था। मगर इतना सब महसूस करने के बाद भी इसे वहम मात्र का नाम देना मुझे ठीक नहीं लगा। तभी उस ड्राइवर ने ऑटो रोका और बोला, हाँ जी उतर जाइए। मैंने आसपास देखा तो श्यामगढ़ गांव का मोड़ नहीं था। इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, ये तो श्यामगढ़ गांव का मोड़ नहीं है, यहाँ क्यों उतरूं मैं? तब ऑटो वाले ने कहा, आपको नहीं इन भाई साहब को बोल रहा हूँ, आप बैठिए। इस पर मैंने थोड़ा गुस्सा होते हुए उस ऑटो वाले से बोला, तुम पागल वागल हो क्या? दिमाग ठिकाने पर तो है, किसके लिए ऑटो रोका है? तुम बढ़ाओ ऑटो, बढ़ाओ अभी बढ़ाओ जल्दी। मेरे इतना बोलते ही ड्राइवर ने रिक्शा आगे बढ़ाया और मुझसे बोला, साहब यह आपने अच्छा नहीं किया, उन भाई साहब को आपने उतरने नहीं दिया, अब आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो मैंने बोला, हाँ ठीक है मैं देख लूंगा तुम्हारे भाई साहब को। शायद मेरी ये बोलने की ही देरी थी कि तभी एक बर्फ से ठंडे हाथ ने पीछे से मेरा गर्दन पकड़ लिया। उस हाथ ने मेरा गर्दन इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मैं अपना सिर एक इंच भी इधर उधर नहीं कर पा रहा था। मगर इतना ठंडा हाथ आखिर है किसका? मैंने अपनी पैंट की जेब से बैटरी टॉर्च निकाला और जैसे ही टॉर्च ऑन करके अपने बगल की सीट पर मारा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि मेरा गर्दन पकड़ने वाला शख्स मेरे बगल में ही बैठा हुआ था। मगर उससे भी अजीब बात तो ये थी कि मेरी टॉर्च की लाइट उस आदमी के शरीर पर टिकने के बजाय उसके शरीर को आर पार करके रोड पर जा रही थी। मैं उस आदमी से अपना गर्दन छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मेरी शक्ति उस आदमी के पकड़ के सामने चींटी बराबर थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी ड्राइवर ने उस अनजान आदमी से कहा, भाई साहब छोड़ दीजिए ना, पहली बार है इसलिए शायद ऐसा होगा। ड्राइवर की बात सुनकर उस अनजान आदमी ने मुझे छोड़ दिया और पता नहीं मेरी आंखों के सामने से कहीं ओझल हो गया।
मेरा गर्दन अभी भी दुख ही रहा था। इतने में ही उस ऑटो ड्राइवर ने बोला, देखा साहब, कहा था ना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस पर मैंने बोला, पर वो था कौन और ऐसे गायब कैसे हो गया? तब ऑटो ड्राइवर ने बताया, साहब वो क्या है कि मेरी गाड़ी में जिंदा इंसान से ज़्यादा लाशें बैठती हैं। मतलब मैं हॉस्पिटल से या कहीं से भी लाश ले जाने ले आने का काम करता हूँ, और उन्हीं लाशों की आत्मा रात में मेरी ऑटो में चढ़कर बैठ जाती है। ये तो अच्छा हुआ कि वो आत्मा उतनी जिद्दी नहीं थी, वरना आज आपकी लाश भी मुझे श्यामगढ़ गाँव पहुँचानी पड़ती। खैर छोड़िए, अब सब ठीक है। फिर मैंने उस आदमी का आभार जताते हुए उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम संजीत बताया। कुछ ही देर में मेरा गांव आ गया। मैंने संजीत को पैसे दिए और सीधे उस मोड़ से अपने घर चलकर गया। घर वाले मुझे देखकर काफी खुश हुए, जिसके साथ ही पापा ने पूछा, पर बेटा तू मोड़ से यहाँ पैदल आ गया, और तुझे इतना वक्त क्यों लगा? जिस पर मैंने पापा को बस खराब होने से लेकर यहाँ किस हालत में पहुँचा सब कुछ खुलकर बता दिया। तो सारी बात सुनकर पापा ने कहा, क्या संजीत? एक संजीत तो हमारे गांव का था, बेचारा लाश ढोता था अपनी ऑटो में। एक दिन ऑटो लेकर खादान में गिर गया, बेचारे की लाश भी नहीं मिली। इसका मतलब कि मैं जिस संजीत की ऑटो में आया था वो खादान में गिरकर बहुत पहले ही मर चुका था, मगर उसकी आत्मा ने मेरी मदद क्यों की ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। वीरू बाइक चला रहा था और किशन वीरू के पीछे बैठकर गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहा था। दरअसल वो दोनों अपने एक तीसरे दोस्त समीर के नए घर की पूजा में गए हुए थे और अभी फिलहाल वहीं से वापस लौट रहे हैं। हालांकि समीर ने दोनों को उसके नए घर में रुकने के लिए कहा था, पर क्योंकि कल ही कॉलेज में दोनों का एग्जाम था इसलिए दोनों समीर को मना करके घर के लिए निकल गए। बाइक चलाते हुए ही वीरू ने एक नज़र अपनी हाथ घड़ी पर डाला तो समय देखकर हैरानगी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि रात के 10:30 बज चुके थे। वक्त पानी की तरह बह रहा था, जो कि गर्मी के मौसम में स्वाभाविक ही था। वीरू अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे बैठे किशन ने कहा, समीर ने घर तो बड़ा अच्छा बनाया है मगर बहुत ऑफ एरिया में, क्यों? इस पर वीरू बोला, बात तो तेरी ठीक है, पर आने वाले कुछ सालों में ये एरिया भी लोगों से भरी जाएगा। दरअसल वो दोनों ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि फिलहाल वो दोनों जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों में घिरा हुआ था। उस रास्ते पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। बहुत देर से उन दोनों को कोई दुकान भी नहीं दिखा था जहां वो दोनों थोड़ा ब्रेक ले सकें, मगर ज्यादा देर तक ये परेशानी टिकी नहीं। थोड़ा और आगे जाते ही उन दोनों को सामने की तरफ एक छोटा सा फास्ट फूड का दुकान नजर आया। उन दोनों ने सोचा कि उन्हें यहाँ थोड़ी देर रुककर कुछ ठंडा वंडा पी लिया जाए, लिहाजा उन्होंने अपनी बाइक को ठीक उस दुकान के पास रोका और दुकान के अंदर चले गए। वहाँ आसपास 2-4 घर भी थे। अभी वो दोनों दुकान की एक चेयर पर बैठकर ठंडा पी ही रहे थे कि तभी उस दुकानदार ने उन दोनों से पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दुकानदार की बात सुनकर किशन ने जवाब दिया, जी हम तो बेलपुर जा रहे हैं। इस पर दुकानदार ने कहा, बेलपुर? अच्छा, शॉर्टकट रास्ते से जाइएगा? इस पर वीरू ने दुकानदार से पूछा, शॉर्टकट रास्ता? कौन सा शॉर्टकट रास्ता?
हम तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से बेलपुर जाने का शॉर्टकट रास्ता भी है, हमें पता नहीं था। इस पर दुकानदार ने कहा, शॉर्टकट रास्ता तो है, मगर उस रास्ते पर रात में जाना ठीक नहीं रहेगा। इस पर किशन बोला, अच्छा वो रास्ता किधर है, बस आप हमें इतना बता दीजिए। किशन की बात सुनकर दुकानदार ने उसे पूरा रास्ता समझा दिया। पूरा रास्ता उन दोनों ने समझ लिया, जिसके बाद वो दोनों मुश्किल से 5 मिनट ही उस दुकान में रहे होंगे। और फिर दुकानदार के पैसे चुकाकर दोनों बाइक पर वापस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां कुछ देर पहले तक वीरू की घड़ी में 10:30 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। तभी किशन ने बाइक चला रहे वीरू से कहा, वो दुकानदार ने जो रास्ता बताया समझ लिया ना तूने? इस पर वीरू ने कहा, हाँ समझ लिया, पर उसने तो कहा था कि रात में जाना ठीक नहीं होगा। छोड़ ना यार, हम लोग सीधे रास्ते से ही चलते हैं। इस पर किशन ने कहा, अबे नहीं यार, शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे, और कल एग्जाम भी तो है हमारा, जितना जल्दी घर पहुंच जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वीरू को भी लगा किशन ठीक ही बोल रहा है, इसलिए वो भी शॉर्टकट रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर के बाद उनकी बाइक उस मोड़ पर पहुंची जहां से एक रास्ता सीधा जाता था और एक शॉर्टकट, लिहाजा वीरू ने बाइक को शॉर्टकट रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो शॉर्टकट रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और घने जंगलों में घिरा हुआ था। उस रास्ते पर भी लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। तभी वीरू ने किशन से कहा, भाई इस रास्ते पर जाना है, छोड़ना यार, वापस लौट जाते हैं। मगर किशन वो कहां किसी की सुनने वाला था। उसने वीरू की एक ना सुनी और चुपचाप उसे गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा। वीरू उसकी बात मानकर चुपचाप बाइक चलाता रहा। हालांकि वीरू भी डरने वालों में से नहीं था, मगर पता नहीं उस रास्ते पर उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी पीछे से आती किशन की एक आवाज ने उसकी सारी बेचैनी को जैसे खत्म कर दिया। वीरू वो देख, इस रास्ते पर किसी का घर भी है, और तू इस रास्ते से आने से डर रहा था। वीरू ने रोड के एक किनारे पर देखा तो सच में रोड के एक किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, और उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी सी औरत झाड़ू लगा रही थी। ये देखकर वीरू मन ही मन में मुस्कुराया और सोचने लगा कि वो कितना डरपोक है, छोटी छोटी बातों में वो कितना डर जाता है। मगर वीरू को एक और बात ये भी अजीब लग रही थी कि आखिर ये बुढ़िया इतनी रात गए अपने घर के बाहर झाड़ू क्यों लगा रही है। आम तौर पर तो झाड़ू शाम को लगाया जाता है। खैर, वीरू ने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाइक चलाता रहा। उस रास्ते को लेकर वीरू के मन में जो डर था वो अब पूरी तरह से खत्म सा हो गया था। मगर उसे पता नहीं था कि असल डर से तो अभी उसका सामना ही नहीं हुआ है। आने वाले खतरे से अनजान वीरू और किशन गाना गुनगुनाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वीरू की नजर रोड के किनारे बनी उसी झोपड़ी पर गई, जिसे अभी कुछ देर पहले ही वो दोनों पार करके आए थे। इस झोपड़ी के बाहर भी बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है, जिस चीज को वो लोग पार कर चुके हैं वही चीज दोबारा कैसे दिख सकती है। वीरू का डर अचानक से 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कांपती आवाज में पीछे बैठे किशन से कहा, भाई वो देख, फिर से वही झोपड़ी बुढ़िया। वीरू की बात सुनकर किशन ने उस तरफ देखा। पहले तो वो भी थोड़ा चौंक सा गया, पर क्योंकि किशन बहुत ही हिम्मत वाला था
इसलिए उसने वीरू से कहा, जरूरी थोड़ी है ये वही झोपड़ी और वही बुढ़िया हो, हमने उस बुढ़िया को करीब से थोड़ी देखा है। किशन ने वीरू का डर कम करने के लिए ये बोल तो दिया था, मगर वो भी समझ चुका था कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है। वीरू भी अब काफी डरने लगा था, मगर उन दोनों के पास सिवाय आगे बढ़ते रहने के दूसरा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने वही किया। उस झोपड़ी को पार करके वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े कि तभी रास्ते के एक किनारे पर उन्हें तीसरी बार वही झोपड़ी और वही बुढ़िया नजर आई। अब तो वीरू की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी, मगर किशन वो अभी भी अपनी हिम्मत बांधे हुए था। उसने वीरू को बोलकर बाइक को उस झोपड़ी के पास रुकवाया और फिर वीरू से कहा, जरा अपनी हाथ घड़ी देना। तो वीरू इतना डरा हुआ था कि उसने बिना किसी सवाल जवाब के उसे अपनी हाथ घड़ी पकड़ा दी। किशन ने वीरू के हाथ से घड़ी लिया और उस घड़ी को उस झोपड़ी के पास जमीन पर फेंक दिया और वीरू से आगे चलने के लिए कहा। वीरू को बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर ये किशन कर तो कर क्या रहा है, मगर उसके पास किशन की बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने बाइक को आगे बढ़ा लिया। वहां से कुछ आगे जाते ही उन दोनों को फिर से वही झोपड़ी और वही बुढ़िया नजर आई। उस झोपड़ी के पास ही में वीरू की घड़ी जमीन पर पड़ी हुई थी। वीरू ने अपनी घड़ी के पास बाइक रोका और बाइक से नीचे उतरकर किशन घड़ी को देखने लगा। किशन ने जब घड़ी को हाथों से उठाकर वक्त देखा तो रात के 12:05 हो रहे थे, मगर अजीब बात तो ये थी कि जब उसने घड़ी को जमीन पर फेंका था तब भी वक्त 12:05 का ही हो रहा था। किशन समझ गया कि वो लोग छलावे के जाल में फंस चुके हैं और अब उनका वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तभी किशन ने वीरू से कहा, देख तू डर मत, बस तू बाइक चलाते रहना, मैं जब तक बाइक रोकने के लिए ना कहूं तू बाइक मत रोकना। चूंकि किशन एक पंडित का लड़का था तो वीरू का इस पर विश्वास करना बनता भी था, जिस वजह से वीरू ने बाइक चलाना शुरू कर दिया। वीरू ने जैसे ही बाइक चलाना शुरू किया तभी किशन ने अपने शर्ट के ऊपर वाले जेब से भभूत की पुड़िया निकाली और भभूत को रास्ते पर थोड़ा थोड़ा छिड़कते हुए मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। पता नहीं वो क्या बड़बड़ा रहा था, मगर जैसे जैसे वो बोल रहा था वीरू को उस रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता साफ नजर आ रहा था और कुछ ही देर में वो दोनों उस रास्ते से बाहर निकल गए। और इस तरह से उस रात किशन की समझदारी के चलते दोनों की जान बच गई, मगर वो रास्ता कहते हैं कि उस पर अभी भी छलावों का राज है और रात में उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। Thank you.